हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने की मांग, पुलिस ने नहीं निकालने दी वाहन रैली। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को जोधपुर वेडिंग एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ये लोग रैली निकालते, उससे पहले ही पुलिस ने समझाइश कर इन्हें रोक दिया। हालांकि बाद में पुलिस की सहमति से कुछ लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। दरअसल कोरोना के कारण पहले लागू लॉकडाउन के दौरान लगी अधिकांश पाबंदियां एक के बाद एक हटा दी गई, लेकिन कुछ एक क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो इन पाबंदियों की मार झेल रहे हैं। इनमें से एक है शादी ब्याह के आयोजन। महज 50 लोगों तक सिमटे शादियों के आयोजनों ने कई लोगों को सड़क पर ला दिया है। राज्य सरकार ने शादी समारोह में महज 50 लोगों को हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की हुई है। ऐसे में व्यापक स्तर पर होने वाले शादियों का दायरा बेहद सिमट कर रह गया है और तड़क भड़क वाली शादियों का स्थान सादगीपूर्ण आयोजनों ने ले लिया। वेडिंग एसोसिएशन के बैनर तले आज विभिन्न कारोबार से जुड़े लोग अपने अपने वाहनों में सवार होकर शास्त्री सर्कल पर एकत्रित हो गए। यहां से एक रैली के रूप में वे जिला कलेक्ट्रेट जाना चाह रहे थे। इनके एकत्रित होते ही पहले से सतर्क पुलिस ने इनको रोक दिया। एसोसिएशन के लोगों ने पुलिस को बताया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का बकायदा पालना करते हुए मास्क लगाकर अपनी कारों में सवार होकर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाया कि फिलहाल किसी भी तरह की रैली निकालने पर रोक लगी है। इसके बाद कुछ पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट जाकर राज्य व केंद्र सरकार के नाम का ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के जितने भी आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, साउंड, लाइट, जेमसेट, एंकर्स और कोरियोग्राफर, सिक्योरिटी, कैटरिंग वाले, टेंट वाले भाई, हमारे सारे जने आज हमारे साथ में यहाँ पे कारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क के साथ सैनिटाइजर रैली में थे, जो अपनी अपनी कार के अंदर थे और अपनी अपनी कार में हम लोग अपना जो भी COVID-19 के जो भी क्लॉज है हम उसको मानते हुए और हम लोग सब एक साथ ये प्रदर्शन कर रहे थे कि ताकि सरकार हमारी सुने, क्योंकि हम कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में फंस गए हैं। हमारे शादियों को इजाज़त नहीं मिल रही है, 50 लोगों से ज़्यादा वो इजाज़त नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हम सबके ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। सबके पैसों की, लोन की, EMI की, खानों की, इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है काफ़ी सारे लोगों के, कि जिनमें कि कोई कह रहा है सर मुझे घर बेचना है, कोई स्कूटर बेचना है, कोई मोबाइल बेचना है, उनकी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। हम सरकार के सिर्फ ये चाहते हैं कि 300 से 400 लोगों की हमें इजाज़त दे शादी करने की, कि जो भी वो करेंगे हम उसमें हम उनके साथ में होंगे। 300-400 की इजाज़त देने से क्या होगा, हम बड़ी जगह लेके और हम सोशल डिस्टेंस के साथ में शादी कर सकते हैं। हम अपनी मांग सरकार को सुनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही तरीका बचा था, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। केंद्र ने जब 100 की इजाजत दे दी तो सरकार, जो राजस्थान सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि हम सिर्फ 50 पे ही जाएंगे, तो हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि हमें 300 से 400 लोगों की दी जाए, ताकि हमारी वेडिंग एसोसिएशन, जोधपुर वेडिंग एसोसिएशन, हमारे सारे टेंट वाले भाई, कोरियोग्राफर्स, एंकर्स, इवेंट मैनेजर्स, सभी भाई सारे के सारों के वापस चालू हो जाए, जैसे सारे बिजनेस चालू हो चुके हैं, पर सिर्फ एक हमारा बिजनेस है जो अभी तक बंद है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।